कि मिलते हैं लुटेरे है दोस्तों राहों में, हम राह ने आज निजाम मिंबर को दो चार कदम बिलाई के गले में घंटी बांधेंगे भैया। नमस्ते, मैं अभिषेक और हूँ मऊ के नगर क्षेत्र में। नगर क्षेत्र में दिख गया ट्रैक्टर, तो नगर में ट्रैक्टर दिखने का मतलब कि ये साफ सफाई काम आता है, जुताई के नहीं। मतलब कहने का है कि मैं नगर पालिका के पास में हूँ और यहाँ पर नगर क्षेत्र की जनता भी है, तो नगर पालिका जो बगल में है कितना काम करती है नगर क्षेत्र में, ये ट्रैक्टर कितना सफाई करता है, हम नगर की जनता से जानेंगे। सही है, वही तो हम भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मिलते हैं लुटेरे है दोस्तों राहों में, हम राह ने आज निजाम मिंबर को दो चार कदम ले लो। समझ रहे हैं तो भाई, सुनिए सुनिए सुनिए, हमको सुना 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 पहले सुना। वर्तमान जो मेंबर सभासद अध्यक्ष वहाँ काम करावत वहाँ क्या काम देख रहे हैं, नाला में तीन आदमी का पैर टूट गया गिर के, क्या काम हो रहा है। अब हम अकेले कैसे बिलाई के घले में घंटी बांधेंगे भैया, के बिलाई सब काहे, अब नगर पालिका में कौन अकेले जाएगा, समझा देंगे इंजीनियर समझा देंगे कि ये है वो है। हम लोगों को पानी अच्छा चाहिए ना, 5 साल हो गया साला टेबल बिगड़, गरीब सभी लोगों को घर फिल्टर नहीं ना है, पानी नहीं मिलता, खरीद के खरीद के पानी पीते हैं, खरीद के पानी कैसा मिलता है, बहुत बलुआ आ रहा, बलुआ कैसा पानी आ रहा, बालू आ रहा, कैसे पानी आ रहा, हम बालू आ रहा है, आप चल के घर पे देख लीजिए। शिकायत की है कभी, शिकायत क्या, हम लोग पूरा बहुत भगा दे रहे हैं। अच्छा, पानी के अलावा भी कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। नगर में बहुत अच्छा काम हुआ है, साफ सफाई है बहुत ज्यादा अच्छी है। इनको क्या समस्या मालूम होगी, इनका मकान दूसरे वार्ड में है, ये चेयरमैन साहब के सुनिए, ये मैं कह रहा हूँ कि आपसे नगर या जिला के बारे में पूछ नहीं रहे हैं, नगर की बात, आप इस वार्ड के बारे में पूछ रहे हैं, वार्ड ही पूछा जाएगा, नगर ही पूछा जाएगा, नगर के बारे में पूछे तो मैं नगर के बारे में, ये भी नगर देखिए, नगर भी बताइए और जहाँ पे खड़े हैं ये वार्ड भी नगर में है। नगर का मतलब नगर तो साफ सुथरा है, अच्छा है, ये वार्ड बदबू कर रहा है, ये भी वार्ड साफ सुथरा है, ये बदबू तो कर रहा है, हमको भी कर रहा है, आपको नहीं कर रहा होगा, हो सकता है कि आपको कर रहा हो, अच्छा, अलग तो बात तो मतलब है। नगर आप कहने मतलब कि नगर में अन्य काम हुए हैं, बहुत से काम हुए हैं, जैसे 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 अभी वो सड़क का काम हुआ है, सेल्फी लाइन बनी हुई है जी, और बाकी चौरीकरण हुआ है शहीदी रोड का, मिर्जादीपुरा में बहुत से काम हुए हैं, मिर्जादीपुरा से लेकर के फाटक तक का रोड बना हुआ है। अच्छा, अब कहने का मतलब रोड बना, लेकिन अभी रोड बना, अभी नगर पालिका में भ्रष्टाचार एक सामने आया है जिसमें पीएफ फंड घोटाला हो गया, और एक शहीदी रोड बहुत चर्चित रोड था वो भी घोटाले के भेंट चढ़ गया। ये फंड घोटाला तो 2012 से जो चल रहा है, हम 17 से पहले, इसके पहले जो चेयरमैनी थी उस वो लूटे थे, हाँ, मतलब उनकी वजह से हाँ, इसमें सबसे बड़ा घोटाला एक हो गया शहीदी रोड में बना और एक को महीना नहीं चला। शहीदी रोड का मामला ये है कि इनका पैसा देना, जब ये था कि 1,37,00,000 या जो भी धन था तो इनको पैसा देना था, बाकी जो है रेलवे का काम था वो अपने ठेकेदार से काम कराए। अच्छा, मतलब कि नगर पालिका से मतलब नहीं है? नहीं, नगर पालिका का काम था वो मतलब चौड़ीकरण करना, पैसा देना अपना। चलिए, आपका भी हो गया, सुन लिया, ठीक है, चाचा ही कर रहे, बहुत काम हुआ, कहाँ कौन काम हुआ भाई, सब विकास पड़ा, अभी हम लोग के मोहल्ला एकदम फुहार में चल रहा है, आगे भी डाल के देख लीजिए, आगे भी वही हाल है। अच्छा, तो चाचा एक और नेताजी मिल गया, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, सफाई फाई है कि बदबू करेला, आइए नेताजी, नेताजी ये लोग मिल गए हैं, अभी ये मिल गए भैया, करें काम हुआ नगर में, लेकिन आप वार्ड के सदस्य हैं, पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं, क्या स्थिति है वार्ड के? देखिए, सही पूछिए तो भैया जी जो मिल गए हैं ये एक व्यक्ति के विशेष आदमी हैं, तो वो कतई नहीं कहेंगे कि कोई गंदगी है। अब इस वार्ड में है तो मैं अपनी तो वार्ड की बात करूंगा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या आप ट्यूबवेल को चल के देख लीजिए, अब उस ट्यूबवेल का पानी इतना खराब आता है कि अब यहाँ कितनी उसके वजह से दिक्कत है और बीमारी है, और इसको लेकर के यहाँ की जनता जब नगर पालिका में जाती है तो जाती है तो उनको चेयरमैन साहब उनको टाइम दे करके आगे पीछे करते करते लगभग 10 साल हो गया, और 10 साल में अभी वो एक ट्यूबवेल को बंद करा करके या कहीं दूसरी जगह बोरिंग करा करके उसको नहीं कर पाए। वजह क्या है, जनता से लेना देना नहीं भाई, वजह का मतलब ये है कि अब उनको जो भी हो सकता है कि अगला चुनाव ना लड़ना हो, उनको वोट नहीं दिए तो हम क्यों बनाए, कटरे वाले वोट नहीं दिए मोहल्ले के, वोट नहीं दिए, मतलब कि जो वोट नहीं देगा उस मोहल्ले में काम नहीं होगा, हुआ है अभी तक,
आप चलिए देखिए वहाँ आगे देखिए नाली की हाल देखिए आप क्या है। अच्छा मान सफाई के और क्या अन्य नगर में काम होता है? अरे भाई नगर में देखिए जो काम हुआ इधर कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहा था इधर कुछ काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, काम हुआ जी नहीं। देखिए आपको मैं पीछे दिखा दे रहा हूँ पूरी एक पूरा एक देखिए जब नगर के विकास की बात की जा रही है तो एक पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया है अपनी बात रखने के लिए और बात इसी वक्त रखी जाती है क्योंकि अब चुनाव का समय आने वाला है। नेताजी जनता के बीच में आएंगे तो जनता भी अब तैयार है कि नेताजी के कामों का हिसाब होगा। और देखिए मीडिया के आते ही जनता एक्टिव हो गई। हम चाचा से पूछेंगे सही सही बताएंगे किसी पार्टी जुड़े हैं या सामान्य व्यक्ति? नहीं सामान्य सामान्य व्यक्ति पार्टी से। तो इन नेताजी कुछ काम करवाओ ना सभासद और अध्यक्ष अध्यक्ष और सभासद कुछ करवा ले हलवा में नाली बनवाए हैं। नाली बनवाए हैं अच्छा कुछ काम किए हैं कुछ काम किए हैं अच्छा। देखिए ई कहा था कुछ काम कैले हैं और तो आगे क्या लगता है कुछ ना भाई ना दूसरे अरे तो और कौने मोहल्ला में भाई लो ना दूसरे मोहल्ला में भाई लो दूसरे मोहल्ला में क्या कहा था कुछ काम नहीं हुआ पांच साल में कोई काम नहीं हुआ चलिए दिखाइए चाचा कहा था काम हुआ कोई काम नहीं हुआ वार्ड में काम किया देखिए क्या कहा था वार्ड में काम किया आई कहा था ना भाई अरे मोहल्ला में नहीं किया मोहल्ला में नहीं किया अच्छा तो देखिए यही मिली जुली असर है। अब चलते हैं चाचा तो आगे क्या लगा काम भाई अरे कुछ ना भाई कुछ ना भाई कहा है अरे देखा तो वो नाला बनत बा अच्छा तो चाचा देखिए हम आते हैं अंत में चाचा सूरती बनावत हूँ चाचा के पास बैठते हैं। चाचा का नाम भाई आपका? इस्माइल पीछे हो जा मोहम्मद इस्माइल सुरती खात हुआ सुरती खाला की पान कोई और खाला पानो खाइला सुरतियो खाइला और कौन नशा वसा नहीं अब कोई नशा नहीं। अच्छा काम धाम कहाँ चलत बाकुल? काम धाम तो एकदम बेकारी आज चल बैठे ले अभी तो मान जा कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव गए नई सरकार बनौला सरकार कैसन रह ऐसे रहा मंदा मंदिर हाँ ये समय का मंदिर आजो मंदा है आजो मंदा हाँ नगर पालिका का चुनाव आने वाला बात का सोचले हुआ लोगन कुछ काम भाई नगर पालिका में? अरे भाई नगर पालिका में है वोट पड़े तो भाई आदमी देवे करे जो वर्तमान अध्यक्ष हूँ कुछ काम कैला जो समय बाढ़ा अरे हाँ कहे ना जो उनसे छपरा लपन कैला कैला। अच्छा अध्यक्ष छोड़ा सरकार कैसा है योगी का? सरकार तो ले जाए एकदम सड़क पर हाँ मोदी का मोदी का भी मोदी का सरकार एकदम हाई रोड पर आके बैठे के पड़ी। अच्छा क्या समस्या होता क्या परेशानी होता? हर चीज का परेशानी महंगाई इतना बढ़त बा हाँ। एक ध्यान ना देते हुए लोग हाँ। खाली कुर्सी का ध्यान देते हुए कि कुर्सी पर बैठ हाँ हाँ। बस ये ध्यान हवे हाँ। खाली लूट बा एकदम बस हाँ। कोई महंगाई का हल ना होता और काम धंधा कुल आ रोजी रोजगार बंद होता है धीरे धीरे। ये तो मतलब मऊ बुनाई नहीं काम कैसे चल बाबू? अरे भाई अब बुनाई वाला तो थोड़ा बहुत चलते है लेकिन अब उतना जो चाहे उतना चलता है। कौन काम धंधा कुल सब मंदा कहा नहीं कि सब मंदा पड़ा था हाँ रोजी रोजगार एकदम मंदा। अच्छा तो मऊ के को विधायक हम अब्बास अंसारी कुछ काम करा लो कहाँ दिक्कत हम कुछ? अब उनके बारे में तो हमके ना मालूम है उनका कुल हाल चाल हुआ कहाँ वहाँ ना हम ना बता पाए ना जानकारी है वोट डाले लगना। अरे भाई वोटवा तो देवे ही के है चाहे ये दा चाहे वो और दा केरो दा देवे के अब्बास के वोट डाले लगना का है दे ला उन्हों के दे ला दूसरों को दे ला तो का लगल की अब्बास और उनके पापा मुख्तार अंसारी जो कुछ काम कैला उनकर खाते हैं? अरे भाई मुख्तार अंसारी का बात दूसरे हुए हाँ और अब्बास मुख्तार अंसारी दूसर चीज हवे वो जो कह दे वो करी और अब्बास अब्बास तो भाई छतर से कहाँ वो भैल कुछ कहबे कहना जीत के कहाँ उनके मिलबे करल कि कुछ करिए वो अंडवा तो मिलत होने जब तो निधिया तो आते हो निधिया कुछ कमा कर दो जो ना बात हाँ। अच्छा तो ई होला देखा नगर पालिका चुनाव होत बा ई होला की जो नगर पालिका कुर्सी बा ए पर मुख्तार अंसारी जे के चाल हुए बैठेला ई मन कितना सच्चाई बा उनके नाम पर आदमी वोट देला हाँ हाँ तो उनके नाम पर वोट देला तो काम हम कुछ करावे ला उनका आदमी काहे कराओ तो ना हुआ तो जीतत कैसे हुआ हाँ हाँ तो अच्छा मतलब जैसे वोट होला तो का लोग कहला कि मुक्त जैसे दू गो उम्मीदवार बाना तो ये मन ही होला का कि मुख्तार अंसारी का आदमी के है कोई कहेला कि तो लोग जान जाला पहले ही मालूम हो जाला। अच्छा कैसे पता चल जाला वोट
पड़े के पहले ही मालूम हो जाला कि फलाने के आदमी हुआ फलाने के आदमी हुआ वही पर आदमी देला हूँ। अच्छा तो सूचना कैसे जाला मतलब कि कोई घरे बतावे लगा कि मुख्तार अंसारी का आदमी हुआ ये प्रत्याशी हूँ। अब जैसे इतना आदमी हुआ अब हम तो बताओ तो सबन का कनवा बंद ना ना है सुनत ना हुआ तो ये कहीं ना कहीं जाके बतेबे करिए कि बुढ़ऊ रहना ऐसे ऐसे कहत रहना ऐसा ही संदेश आ जाए। हाँ तो तोहन लोग तू अपने विचार से देला कि मुख्तार अंसारी कहले पर देला नहीं मुख्तार अंसारी के कहले पर कैसे के दे अपने मन से दे कि वो कहीं तब दिया जाए तो के लगेला मुख्तार अच्छा हम काम वही उनका आदमी अच्छा काम करी। अब भाई मुख्तार अंसारी का आदमी तो कमर अब तक ठीके कैला अब एक बात देखा का करे तैया पालकी जो बारा कुछ काम कैलक ना का है कैला का है नहीं कैला नहीं तो बैठल कैसे हुआ। और असर जमाल वो कैला वो कैला हाँ इतका पर ही का चाहता के आओ अब देखा ये हमें जुआ बामन परी चाहे इतना बाहर जाए चाहे बाहर अंदर जाए जेर पब्लिक उल्टी वो कर विजय हो जाए विजय हो जाए। हाँ चुनावा में काम वम का कुछ मुद्दा रही खाली विजय विजय कुछ ना खाली पौवा पार्टी चली पौवा पार्टी चली बस। हाँ काम के विषय में केहू ना सोचे। अच्छा मतलब वार्डो मेंबर में पौवा पार्टी चल लाको सब सब में तो तू का करबा पौवा पोड़ देबा काम बता। हम बूढ़ा आदमी का करब पौवा मिल रख लेबा पौवा सेरा जो चली ना वही में खूब मारा पीटी धमक दुनिया गाली गरौज आप का करबा हम का कोर कहीं खड़ा होकर सुना हम जरिया के तो पौवा दे देला तका करबा आज वो पौवा पिए वाला पौवा ना लेके दे देबा के पी के नहीं नहीं फेंक देबा हम छुबे ना करे। पूरा नगर पालिका के चुनाव का सरगर्मी चल रहा है पूरी एक भीड़ भाड़ है और जनता से जब बात किया जा रहा है तो पूरा एक हुजूम उमड़ पड़ा है और हुजूम अपनी बात करने के लिए है। अब देखते हैं कि चुनाव की घोषणा कब होती है उसी का इंतजार है। फिलहाल चुनावी मौसम गर्म है और यह क्षेत्र है मुख्तार अंसारी यानी बाहुबली मुख्तार अंसारी का विधानसभा क्षेत्र रहा। इस समय मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं और माना यह जाता है कि मुख्तार अंसारी जिसको चाहते हैं वही नगरपालिका की कुर्सी पर आसीन होता है। तो देखा जाए कि इस बार मुख्तार अंसारी का आशीर्वाद किसको पड़ता है। तो बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ।